वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ड्रमस्टिक की दो न्यू रेसिपीज़, जो कि आप रेगुलरली इसे बना सकते हो। बहुत ही यमी टेस्ट करता है ये रेसिपी, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही ईजी है। इवन बिगनर्स कैन ऑल्सो मेक इट। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से इसे बनाया है। Here we go. पहली वाली रेसिपी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड सीड्स ले लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड सीड्स हैं, और उसमें ऐड करें ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ में ऐड करें कुछ गार्लिक क्लोव्स, और इसे एक स्मूथ पेस्ट बना ले। ड्रमस्टिक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, सभी कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। ड्रमस्टिक के साथ मैंने पोटैटोस को भी लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें ऐड करें 1 टीस्पून के करीब काला जीरा। जैसे ही काला जीरा क्रैकल करने लगे उसमें ऐड करें पोटैटोस। पोटैटोस को अच्छे से फ्राई कर ले, और इसमें ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जब पोटैटोस थोड़े से फ्राई हो जाए इसमें ऐड करें ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक खाने से ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बोन डेंसिटी को भी इम्प्रूव करता है, और ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है, इवन रेस्पिरेटरी डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है। सो कितने सारे फ़ायदे हैं ड्रमस्टिक खाने के, सो इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करें फॉर कलर, और इसे अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अब इसमें ऐड करें टोमेटोज़, मैंने यहाँ पे 1 टोमेटोज़ को चॉप करके ऐड किया है, और इसे अगेन अच्छे से मिक्स करें। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बीच में एक गैप बना के आप मस्टर्ड पेस्ट को ऐड करें, और मस्टर्ड पेस्ट को थोड़ा फ्राई करें। मस्टर्ड पेस्ट की जगह आप पॉपी सीड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट डेवलप होगा, वो भी बहुत ही यमी लगता है खाने में। जब मस्टर्ड पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तब सारी चीज़ों को अगेन मिक्स कर दें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली, और आप देख सकते हैं टोमेटोज भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें वाटर ऐड करें, करीब 1 कप के करीब वाटर ऐड करें, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। आप इसे कवर करके भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुक करूंगी और विसल आने के पहले ही इसे बंद कर दूंगी। और उस स्टीम निकलने के बाद देखिए मैं ओपन कर रही हूँ, और देखिए पूरी अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्दी बन भी गया है, और आपका टाइम भी सेव होता है इससे। जैसे ही इसका वाटर थोड़ा सा रिड्यूस हो ये कंप्लीट हो जाता है ये रेसिपी, और इसे आप राइस के साथ या ऐसे भी इसे टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही यमी टेस्ट करता है। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही यमी डिलीशियस एक रेसिपी, हेल्दी रेसिपी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 150। और जो सेकंड रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें बहुत सारे वेजीज मैंने ऐड किया है, पम्पकिन, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटोज, ड्रमस्टिक और कैप्सिकम। आप इसमें और भी कई वेजीज को ऐड कर सकते हो, ये भी मैं कुकर में बनाऊंगी, और कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो।
जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं ऐड करती हूँ वड़ी। ये उड़द दाल की वड़ी है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, फिर इसे अलग निकाल के रख लें। उसी ऑयल में ऐड करें 5 फोड़न, 1 ड्राई रेड चिली और साथ में ऐड करें 1 चम्मच खड़ा धनिया। खड़े मसालों को अच्छे से भून लें। उसके बाद उसमें एक एक करके सारे वेजेस को ऐड करें। पहले पोटैटोस को ऐड करें, साथ में पम्पकिन को भी ऐड कर दें और इसे अच्छे से फ्राई करें। अब इसमें ऐड करें कूटी हुई गार्लिक। आप गार्लिक के बिना भी इसे बना सकते हो, इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और 1 चम्मच अदरक पेस्ट ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फ्राई करें। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड आल्सो ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अब इसमें ऐड करें ड्रमस्टिक और कैप्सिकम को ऐड करें एंड देन मिक्स इट वेल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें ऐड करें सब्ज़ी मसाला। आप के पास अगर सब्ज़ी मसाला नहीं है तो आप ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें बाकी वेजेस को भी ऐड कर दें, लाइक ब्रिंजल्स, टमाटोज, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे धनिए की पेस्ट को। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप डायरेक्ट हरा धनिया को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पेस्ट ऐड किया है। साथ में मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, ऑफकोर्स हॉट वाटर। अगेन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अब इसे प्रेशर कुक करें, विसल आने के पहले ही इसे बंद कर दें, तभी आपका ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और ये देखिए, विसल आने के पहले ही मैं इसे बंद कर दी थी और मेरा वेजी पूरा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। कलर भी कितना प्यारा आया है। अब इसमें मैं वड़ी को ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स कर ले। ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं इसे थोड़ा उबाल रही हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ा रिड्यूस हो जाए। और बिल्कुल तैयार हो गया मेरा रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे गरम गरम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे ही इसे टेस्ट कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।